सो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस किए हैं, और फिजिक्स के अंदर हमने लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म किया है, एंड बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस, राइट। सो एसिड बेसिस सॉल्ट्स के फर्स्ट लेक्चर के साथ आज स्टार्ट करते हैं एसिड्स की डिस्कशन को। पहले एसिड बेसिस सॉल्ट्स में फ़र्क जान लेते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे उन्हें वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद सारी डिस्कशन इस लेक्चर में एसिड्स की रहेगी। सो बेसिकली क्लासिफाई करते हैं हम सब्सटेंस को तीन फॉर्म में, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये सब्सटेंसेस हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमारे को ब्रॉडली दो जगहों से मिलते हैं, या तो एनिमल्स एंड प्लांट्स से मिलते हैं, या मिनरल्स एंड सॉल्ट से मिलते हैं। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स से हमारे को केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो एनिमल एंड प्लांट से मिलते हैं। और जो मिनरल्स एंड रॉक्स के थ्रू हमें मिलते हैं कंपाउंड्स, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फाइन, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही फर्दर हम डिफरेंस देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, राइट। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सॉर टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट। कुछ एग्जांपल्स एसिड्स के एवरीडे लाइफ में, जूस, टमेटो, विनेगर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड के डेली लाइफ से। बेसिस का बिटर टेस्ट होता है, राइट। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेसिक नेचर सब्सटेंसेस आर वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। सॉल्ट्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड्स एंड बेसिस के मिलने के बाद बनते हैं, मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनका ना तो एसिडिक करेक्टर होता है ना बेसिक करेक्टर होता है, उसे हम सॉल्ट का करेक्टर में डालते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। इवन सोडियम क्लोराइड तो सबसे कॉमन सॉल्ट है, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, राइट। अच्छा, कॉमन सॉल्ट क्यों कहा जाता है इसकी कहानी में, सोडियम क्लोराइड की कहानी में कॉमन सॉल्ट शब्द का क्यों यूज़ किया जा सकता है? क्योंकि ये मैक्सिमम सॉल्ट्स के प्रिपरेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ये आप देखेंगे इसी चैप्टर के एंड में, जब हम सॉल्ट्स के टॉपिक के अंत में होंगे ऑलमोस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स की हम डिस्कशन करेंगे। वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि सोडियम क्लोराइड का डेफिनेटली, तरह तरह के जो हम सॉल्ट्स बनाएंगे इस सॉल्ट्स के एंड में, सोडियम क्लोराइड का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें डेफिनेटली रोल होगा। इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है सोडियम क्लोराइड का, टेबल सॉल्ट। अच्छा, टेबल सॉल्ट इसको क्यों, कब कहते हैं सोडियम क्लोराइड को? जब इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड जैसी टर्म मिला देते हैं, एंड देन इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, राइट। तो जब खाने में यूज़ करते हैं हम उसके मिक्सचर के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के मिक्सचर के साथ सोडियम क्लोराइड को, तब हम इसी का नाम टेबल सॉल्ट भी रख देते हैं। कॉमन सॉल्ट की वजह अलग है, टेबल सॉल्ट की वजह अलग है। कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी तरह तरह के डिफरेंट सॉल्ट्स हैं जो हमारे को मिलते हैं। हाउएवर, सम सॉल्ट्स हैव अनप्लेजेंट टेस्ट एंड इवन मे बी पॉइजनस, हेंस इट इज़ वेरी डेंजरस टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस डेंजरस हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, तो आप हर तरीके के एसिड को, हर तरीके के बेस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये डेफिनेटली कुछ एसिड्स, कुछ बेसिस को जो टेस्ट करने लायक होते हैं उनको टेस्ट करके ये सब नॉलेज यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन हर किसी को टेस्ट करना सही नहीं है, राइट। अब इसी एसिड बेसिस सॉल्ट्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं जिसको हम प्रोसीड करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। उन दो तरीके के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सो सबसे बेसिक तरीके जो टेस्ट करने के हैं, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस शो वन कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर्स इन द बेसिक मीडियम। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। सो फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एंड इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो जो डिफरेंट ऑर्डर शो करते हैं, डिफरेंट स्मेल शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वो अलग टाइप के एक हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अलावा कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने कलर चेंज करते हैं, राइट। इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये कलर्स चेंज करने वाले इंडिकेटर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरली अकरिंग और एक होते हैं सिंथेटिक, मैन मेड, फाइन। तो उनके बारे में भी अलग से डिस्कशन करेंगे, बट एक सबसे फेमस कलर चेंजिंग इंडिकेटर को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, लिटमस सॉल्यूशन को। सो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलता है लिचिन प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके मिलता है, राइट। एक पर्पल कलर की डाई मिलती है हमें जो लिचिन प्लांट से मिलती है, और लिचिन प्लांट जो है वो थेलोफाइटा डिवीजन में आता है। जो हमने लास्ट टाइम, याद होगा लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें प्लांट किंगडम के अंदर थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब डिवीजन्स थी। तो सबसे पहला जो डिवीजन था थेलोफाइटा, उससे हमें मिला था लिचिन प्लांट, और उसके एग्जांपल में हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो हमें एक कलर डाई मिली, पर्पल कलर डाई, जिसको हम जब जब एसिड के साथ यूज़ करते तो वो अपने आप को रेड में बदल लेता, और जब जब बेस के साथ यूज़ करते तो वो अपने आप को ब्लू कलर में बदल लेता। तो एसिड सॉल्यूशन में इट टर्न्स इटसेल्फ इन रेड, अगर आप ध्यान देंगे तो, एंड यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस में इट टर्न्स इटसेल्फ इनटू ब्लू।
जिसको हम कई बारी पर्पल कलर में ना यूज़ करके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन के तौर पे भी यूज़ करा करते हैं, राइट। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमें बोल रखा है कि टेस्ट करने के लिए हमने एक एसिडिक और बेसिक मीडियम को टेस्ट करने के लिए हमने 1 या 2 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया, राइट। 1 या 2 ml पहले आप डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए, देन उसमें ऐड करिए अपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को। लेट्स से आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला और फिर आपने इन सब्सटेंसेस को डाला, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, तो ये सब में कॉमन चीज क्या है, इमली जूस, इन सब में कॉमन है ये सब एसिडिक हैं। तो जैसे ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में आप इनको डालेंगे, ये सब के सब अपने आप को चेंज कर लेंगे रेड कलर में, राइट। और सिमिलरली अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहते हैं तो रेड लिटमस सॉल्यूशन लीजिए और रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ आप इन सब्सटेंसेस को डालिए, लौकी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट, राइट, ये सब, खीरा जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टर्म्स में, तो इन सबको अगर आप डालेंगे, वॉशिंग सोडा को डालेंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को डालेंगे, इन सबको डालेंगे, तो डेफिनेटली अपने आपको रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर लेंगे। किस कलर में चेंज कर लेंगे? ब्लू कलर में, क्योंकि इन सबके पास बेसिक नेचर होता है। ये एक सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा नेचुरली अकरिंग जो यूज़ होता है, ऑफनली जो यूज़ किया जाता है एसिड बेसिस सॉल्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लिटमस सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। अगर रेड वाला रेड में ही रह जाए तो इसके दो तरीके के आंसर्स होते हैं। अगर रेड वाला रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड में ही रह गया तो ऐसा भी हो सकता है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है, ऐसा भी हो सकता है वो सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट भी चेंज नहीं करेगा, एसिड भी चेंज नहीं करेगा। और ब्लू वाला ब्लू में रह जाए तो इसका क्या मतलब निकल सकता है, ब्लू वाला ब्लू में रह जाए तो इसका ये मतलब निकल सकता है कि वो हो सकता है कि जिसको आप टेस्ट कर रहे थे वो बेस था या हो सकता है वो सॉल्ट था, दोनों तरीके के मतलब निकलते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि पर्पल को ही चेक किया जाए, राइट, पर्पल को ही चेक किया जाए, क्योंकि एसिड एंड बेसिस में बदल के दिखाएगा पर्पल अपने आप को, और सॉल्ट के वक्त पर्पल पर्पल ही रहने देगा, तो ये कोशिश की जाती है। या फिर अगर आपको टेस्ट करना है ब्लू आते ही, ब्लू का ब्लू आते ही आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, उसका कलर चेंज करके फिर दोबारा उस सेम सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं, राइट, डायरेक्टली कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं। अगर कलर चेंज नहीं होता है रेड या ब्लू लिटमस का वैसे ही रहता है, तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, नेचुरली अकरिंग भी, और जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो भी, और जो सिंथेटिक मैन मेड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, राइट। सो नेचुरल इंडिकेटर्स फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 3 तरीके के हैं, एक लिटमस, दूसरा रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट एंड तीसरा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। इनके जो कलर्स होते हैं नेचुरल कलर्स वो पर्पल, रेड एंड ब्लू होते हैं, फाइन। एसिडिक लेवल पे कैसे चेंज करते हैं, लिटमस तो आपको मैंने बता ही दिया पर्पल से रेड में चेंज कर जाएगा एसिडिक में और बेसिक में ब्लू में, राइट। वेयर एज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड से रेड में ही रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में एंड ग्रीन में बदल जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, एंड फ्लावर हाइड्रेंजिया ब्लू का ब्लू रहता है एसिडिक में और पिंक में बदल जाता है बेसिक में। ये बेसिक इनके कन्वर्जन है कलर्स के एसिडिक में, बेसिक में, और इनके नेचुरल कलर्स क्या होते हैं सिंथेटिक। इवन अगर सॉइल एसिडिक है तो वो ब्लू कलर में उगते हैं उसके फ्लावर्स, वेयर एज अगर सॉइल अगर बेसिक होगी सॉल्यूशन की, अल्कलाइन होगी, तो वो पिंक कलर में उगते हैं उसके फ्लावर्स। ये भी हाइड्रेंजिया प्लांट में होता है, ये नेचुरल है। सिंथेटिक मैनमेड जो बनाए हमने, फिनोफ्थलिन बनाया हमने और मिथाइल ऑरेंज बनाया हमने चेक करने के लिए एसिड बेसिस सॉल्यूशंस को, तो फिनोफ्थलिन कलरलेस होता है जनरली, इसका न्यूट्रल कलर, और ऑरेंज होता है मिथाइल ऑरेंज, वेयर एज फिनोफ्थलिन जो है वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है एसिडिक मीडियम में, बट फिनोफ्थलिन बेसिक में पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल लेवल पे, रेड में चेंज हो जाता है एसिडिक में, एंड बेसिक में वो येलो में चेंज हो जाता है, फाइन। ये कलर चेंजेस हैं जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको लर्न होना चाहिए बाय टिप्स, और ये 1 marker क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसिड बेसिस सॉल्ट्स में। अब साथ ही साथ हम ऑड चेंजिंग इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं जिनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, उसको भी एक बार डील कर लेते हैं। सो बेसिकली इंडिकेटर्स जो अपने कलर चेंज करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमारे पास 3 हैं, अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप, वेनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, राइट। सो करना क्या होता है, पहले तो आप एक अनियन के स्मॉल पीसेस को काटते हैं, चॉप करते हैं, उसको एक क्लॉथ में, स्पेसिफिकली कॉटन क्लॉथ, ऐसा एक क्लीन क्लॉथ, उसमें लपेट के आप उसको डीप फ्रीज करते हैं। डीप फ्रीज करने से होता क्या है, ओवरनाइट डीप फ्रीज करने से सारी जो स्मेल है अनियन की वो उस क्लॉथ में आ जाती है, राइट, उस पूरे क्लॉथ के हिस्से में। अब उस क्लॉथ के हिस्से पे अगर आप एक जगह किसी एक कॉर्नर पे HCl सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्यूशन है वो अगर आप डालते हैं तो अनियन की जो स्मेल है वो बरकरार रहती है, फाइन।
वेयर एज दूसरे कॉर्नर पे अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो वही स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स इन अ प्लास्टिक बैग. टाई द ओपन माउथ ऑफ द बैग टाइटली एंड कीप द फ्रिज ओवरनाइट. कीप इन द फ्रिज ओवरनाइट. द क्लोथ स्ट्रिप्स नाउ एक्वायर द ऑर्डर ऑफ द अनियंस एंड कैन बी यूज एज अ एसिड बेसिस इंडिकेटर. Place them on a clean surface. Put a few drops of HCl solutions on the strip and few drops on this on the other side. Now rinse them with water. Check their order again. It is observed that onions have characteristic smell in the acidic medium, right? तो आप characterize कर सकते हो फिर भी acidic medium में, which is completely destroyed in the basic medium. तो वो smell रह जाती है acidic medium में अलग से, लेकिन basic medium में वो पूरी की पूरी smell destroy हो जाती है. वेनीला एसेंस में भी एग्जैक्टली सेम होता है, राइट? एग्जैक्टली सेम कि स्मेल इन द एसिडिक मीडियम रिमेन्स देयर, बट इन द बेसिक मीडियम इट लूजेज इट. क्लोव ऑयल में हाउएवर डिफरेंट होता है. इसी सेम प्रोसीजर से आप जब डालते हैं क्लोव ऑयल के ऑर्डर के को चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर आता है दोनों में, चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों में ऑर्डर बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आता है, राइट? एग्जैक्टली वो कैसा ऑर्डर होता है वो यहाँ पर बताना मुश्किल है, बट येस आप याद रखिएगा अनियन में स्मेल और वनीला की स्मेल बरकरार रहती है एसिड मीडियम में, वेयर एज बेसिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाती है. एंड क्लोव ऑयल में कम्प्लीटली चेंज ही हो जाती है स्मेल, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी. ये आपके एक इंडिकेटर्स थे, एक कलर इंडिकेटर्स या फिर ऑर्डर इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स जो आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहे थे. अब एसिड्स के ऊपर बढ़ते हैं और एसिडिक कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं. कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स पहले एंड देन उसके बाद उसके केमिकल कैरेक्टर्स के ऊपर चलेंगे. सो ये यहाँ पर हमारे पास एसिड के कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स हैं. सॉर टेस्ट, सबसे पहले सार टेस्ट होता है इसका एसिड का. लिटमस में ये रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? पर्पल लिटमस या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है ये. एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. क्रोसिव नेचर, अगर आपके स्किन पे कहीं एसिड अगर गिर जाए तो बहुत ही बर्निंग क्रोसिव नेचर होता है, आपको जलन होती है स्किन पे, इसको क्रोसिव नेचर कहते हैं. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकली ऑब्जर्व की जा सकती हैं एसिड के बारे में. सो अब डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. अब मेटल में भी हमारे पास हर मेटल रिएक्ट कर पाए एसिड से ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. और कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा और एक सॉल्ट बना पाएगा, मेटल सॉल्ट बना पाएगा, ये देखने के लिए हमें उसी रिएक्टिव सीरीज़ को याद करना पड़ेगा. यहाँ मैं आपके लिए एक रिएक्टिव सीरीज़ लिख रहा हूँ जो आपको पहले से ही याद होगी, इफ़ यू रिमेम्बर. सबसे पहले पोटेशियम, देन सोडियम, देन बेरियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, राइट? देन हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. सो बेसिकली ये रिएक्टिव सीरीज़ है और यहाँ पर नीचे जाते जाते आपके रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मतलब कम रिएक्टिव नीचे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर हैं. तो ये इंक्रीज रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आप देखिए, ये H है आपके पास, इस जगह एग्जैक्टली आपके पास H है. सो H से जो ऊपर है सिर्फ वही मेटल H को डिस्प्लेस कर सकते हैं, H से जो नीचे हैं वो मेटल H को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ या नहीं करेगा. सीधा नीचे देखिए एक रिएक्शन एग्जांपल में, कॉपर को आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराना चाहा, ये रहा कॉपर. एसिड के साथ रिएक्ट कराने के लिए H को डिस्प्लेस करना है, बिकॉज हर एक एसिड में H प्लस आयन होता है. ये भी थोड़ी देर बाद हम बात भी करेंगे इस पर कि एसिड एक कैरेक्टर पता कैसे चलता है, कि जो वाटर के प्रेजेंस में H प्लस आयन को डिसोसिएट करता है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में H प्लस आयन को लूज करने वाला एसिड कहलाता है. इसीलिए कॉपर यहाँ पर H को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो नहीं करेगा. तो कॉपर जैसे मेटल का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है. और बाकी किसी भी मेटल का जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, हर वो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एक मेटल सॉल्ट बनाएगा. ये देखिए ये मेटल सॉल्ट हैं, ये भी मेटल सॉल्ट हैं और ये भी मेटल सॉल्ट हैं,
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा। मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखना है? सिंपल, मेटल देखना है आपको कौन है, उसकी वैलेंसी देखनी है, और एसिड में एनायन वाला पार्ट देखना है, क्योंकि H प्लस तो कैटायन वाला पार्ट है, तो एनायन वाला पार्ट इसमें सल्फेट है, इसमें क्लोराइड आयन है, इसमें भी क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड, राइट। और एसिड्स की अगर हम बात करें तो HNO3 होता है, उसमें नाइट्रेट आयन होता है, राइट। अलग अलग एसिड्स में अलग अलग आयन्स हो सकते हैं, तो वो एनायन वाला पार्ट देखना है आपको, एनायन वाला पार्ट मतलब माइनस वाला, एंड देन साथ में मेटल का वैलेंसी देखना है, एनायन की वैलेंसी देखनी है, मेटल की वैलेंसी देखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके पास सॉल्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये कॉमन होता है हर एक मेटल प्लस एसिड में, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अगर वो मेटल लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्स अगर रिएक्शन हो रही है फुलफिल तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। सिंपली आप मेटल को एसिड में डालेंगे, जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर एसिड में डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स को आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, एक गैस रिलीज हुई है। अब वो गैस हाइड्रोजन है या नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस गैस को कंटेनर से पास करवा दिया इस कंटेनर में, राइट, एक ट्यूब स्ट्रक्चर से पास करा दिया इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में ऑलरेडी सोप सॉल्यूशन पड़ा था। तो जैसे गैसेस पार्टिकल्स, जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं, अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, जो भी गैसेस पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही इसमें जाएंगे तो वो बबल्स होंगे। बबल्स जैसे ही ऊपर जाते हैं, उससे बबल्स के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसीलिए बबल्स को जैसे ही आप बर्निंग कैंडल के सामने रखेंगे तो एक पॉप साउंड जनरेट करता है। हाइड्रोजन गैस बर्न होते वक्त क्या जनरेट करता है? पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आ रहा है दैट मीन्स ये जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन है? हाइड्रोजन गैस। ये एक्सपेरिमेंट है आपको इन ऑर्डर टू चेक हाइड्रोजन गैस है या नहीं, राइट। कुछ ऐसा भी आप देख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ज़्यादा वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे ज़्यादा एलिमेंट्स, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स कम वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर जिंक को आप मैग्नीशियम से कंपेयर करें तो जिंक लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, तो वाइग्रेसली रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ मैग्नीशियम इन कंपेरिजन टू जिंक, और मैग्नीशियम के कंपेरिजन में सोडियम वाइग्रेसली रिएक्ट कर जाएगा इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम, सोडियम विल रिएक्ट वाइग्रेसली विद एसिड। तो जितने ज़्यादा रिएक्टिव होते जाएंगे उतनी ज़्यादा वाइग्रेसली रिएक्ट करेंगे वो एसिड के साथ, जितना कम रिएक्टिव होगा उतना कम वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। ये भी रूम टेम्परेचर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन ऑर्डर टू सी कि कौन कितना ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अगले करेक्टर की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड की। सो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हाटएवर यू वांट टू से, इनके साथ रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होती है, बहुत ही सिंपल। मेटल सॉल्ट और यू कैन से सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड इज समथिंग मिसिंग प्लस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। सो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट भी रिलीज होती है, बट बहुत ही सिंपल है। कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप देखिए हर रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिख ही रहा है, राइट। वाटर वेपर्स के फॉर्म में होते हैं, ये भी उड़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होती है, ये भी उड़ जाती है। ये हमारे पास कॉमन है हर किसी केस में। बट अगर हम बात करेंगे सॉल्ट की तो ये पहचानना तो मुश्किल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। एसिड का एनायन वाला पार्ट, एसिड का एनायन वाला पार्ट, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जिसके अंदर Na की बात करें तो वो कैटायन वाला पार्ट है जिसकी वैलेंसी प्लस वन होती है, और एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड में एनायन वाला पार्ट करें तो सल्फेट होता है जिसकी वैलेंसी माइनस टू होती है। सो टू एंड वन क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे एंड आंसर आ जाएगा आपके पास Na2SO4। ऐसे प्रिपेयर होता है मेटल सॉल्ट। अगेन एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल और HCl का एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैटायन वाला पार्ट है वो मेटल वाला पार्ट होता है, दैट इज़ कैल्शियम प्लस टू, और एसिड में एनायन वाला पार्ट यहाँ Cl है माइनस वन, क्योंकि H प्लस वन होता है। वैलेंसी वन एंड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर CaCl2, मेटल सॉल्ट तैयार आपका। तो ये मेटल सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। मेटल सॉल्ट लिखने के बाद खाली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिखना है और रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ यहाँ पर हमारे पास आंसर्स हैं, वो देखते हैं। कुछ चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट एक्सेल ऑल्सो कंटेन अ कैल्शियम कार्बोनेट एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, हेंस दे रिएक्ट विद एसिड एज अबव। तो अगर आप एग को एसिड में रखेंगे तो एग शेल जो होता है उसमें क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल होता है तो वो ये रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा तुरंत।
इम्पॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट का इम्पॉर्टेंस क्या है? एसिडिटी के वक्त इसका इम्पॉर्टेंस है. इट एक्ट एज अ बेस. एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एंटा एसिड कहलाता है, राइट? सो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग, ही और शी इज एडवाइज टू टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. दिस इज बेकिंग सोडा. दिस इज बिकॉज बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेस, न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक एंड गेट्स रिलीफ. तो इसको हम एंटा एसिड कहते हैं. फाइन, इसको हम क्या कहते हैं? एंटा एसिड. नाउ जस्ट लाइक अ प्रायर रिएक्शन, वी मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि ये जो गैस अराइज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, राइट? तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, इसको भी चेक करने का एक एक्सपेरिमेंट है. जैसे हमने हाइड्रोजन गैस को चेक किया था, उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखते हैं. सो ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, बट यस, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग. अगर कभी भी एक मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों में से किसी को भी एसिड में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, हमें पता है. बट उसको चेक कैसे करेंगे? इस कंटेनर में जो गैस रिलीज़ हो रही है उसको हम कंटेन करवाएंगे सीधा एक टेस्ट ट्यूब में, जिसमें पहले से ही लाइम वाटर पड़ा हुआ है. लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जिसमें पड़ा हुआ है, उसमें जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड भेजेंगे वो मिल्कीनेस अपीयर करवा लेगा, राइट? मिल्कीनेस अपीयर होने का मतलब होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया है. तो देखिए, फर्स्ट रिएक्शन जो थी वो आप पहले ही कर चुके हैं. सोडियम कार्बोनेट को आपने एसिड में डाला, सोडियम क्लोराइड बना, यहाँ पर वाटर रिलीज़ हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ जो हुई है, इसको आपने कंटेन करवाया एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं इसे हम. लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब में आपने उसको डलवाया, और थोड़ी देर बाद आपने देखा मिल्कीनेस अपीयर हुई, जिसका रीज़न क्या है? ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये प्रिपेयर हो गया वहाँ पर. इसे कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट. बट यस, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं जानी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में चली गई तो वापस से वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा. अगर यहाँ पर ये करेक्शन है थोड़ी सी, ये सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, राइट? ये कैल्शियम कार्बोनेट है. तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो प्रिपेयर हुए थे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो प्रिपेयर हुए थे, उसमें और एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और वो मिल्कीनेस जो आया था वो डिसअपियर हो जाएगा. वो जो मिल्कीनेस आया था वो डिसअपियर हो जाएगा अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है. फाइन, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे एसिड की, दैट इज़ कि एसिड कंडक्ट करवाता है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो सेवेंथ प्रॉपर्टी है एसिड की, या यूं कहिए कि थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, दैट एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है. इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ पर एक डाइल्यूट एसिड रखा गया, वाटर के प्रेजेंस में एसिड को रखा गया, एंड यहाँ पर बैटरी लगाई गई, 6 वोल्ट बैटरी, और साथ में बल्ब, और इसको एक क्लोज सर्किट के फॉर्म में रखा गया, राइट? जैसे ही ये स्विच क्लोज किया, मतलब सर्किट क्लोज करी, जैसे ये स्विच में हमने सर्किट क्लोज करी, वैसे ये बल्ब जल गया. इसका मतलब एसिड के मीडियम से होने के बाद, गुजरने के बाद भी करंट पूरा फ्लो करा तभी ये बल्ब जला. दैट मीन्स एसिड यहाँ पर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. नाउ रिएक्शन विद बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, कि जब भी आप एसिड में बेस रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट प्लस वाटर निकलेगा. तो HCl प्लस NaOH में सॉल्ट जो निकलेगा वो बेस के कैटायन वाले पार्ट से, याद रखिएगा ये वाली बात, बेस का कैटायन वाला पार्ट और एसिड का एनायन वाला पार्ट मिल के देते हैं सॉल्ट. ठीक है, ये बेस था, बेस का कैटायन वाला पार्ट और एसिड का एनायन वाला पार्ट मिल के देते हैं सॉल्ट. तो बेस का कैटायन वाला पार्ट कौन है हमारे पास? सोडियम. वेराज एसिड का एनायन वाला पार्ट कौन है हमारे पास? क्लोरीन. तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट आ गया, प्लस वाटर ऑफकोर्स. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. सो मेटालिक ऑक्साइड भी एक तरह का बेसिक कैरेक्टर ही होता है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्लस वाटर. फाइन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है. सो इससे ये पता चलता है मेटालिक ऑक्साइड जो है उसका बेसिक कैरेक्टर है, क्योंकि एसिड का जो बेस के साथ अगर रिएक्शन है वही एसिड का अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन आ रहा है, दैट मीन्स मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक नेचर है. अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस
HCl कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर देंगे, दैट्स ओके. बट कॉपर तो अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहा था, आपने ध्यान दिया था कि कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था एसिड के साथ, लेकिन कॉपर ऑक्साइड कर रहा है. कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है लेकिन कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, तो क्या हुआ जो अब कॉपर एच को डिस्प्लेस करने लगा? बिल्कुल गलत है अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि कॉपर एच को डिस्प्लेस करेगा. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर एच कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद वाटर बना रहा है, और कॉपर फिर क्लोरीन के साथ अटैच हो जा रहा है. फाइन, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एच ने कॉपर की और कॉपर ने क्लोराइड की एच की जगह ले ली, राइट? कॉपर ने एच की और एच ने कॉपर की जगह ले ली. सो बेसिकली ये रिएक्शन मुमकिन है. तो यहाँ पर उसी का एग्जांपल है, ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है ये कॉपर ऑक्साइड है, जिसको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, साथ में मिलता है आपको वाटर और एक ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन मिलता है. उस ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कॉपर क्लोराइड. ये जो नीचे दिखाया हुआ एक्सपेरिमेंट, ये ब्लूइश ग्रीन जो हमारे पास है सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं कॉपर क्लोराइड. याद रखिएगा इनके कलर्स, ये बिल्कुल काम में आते हैं हमारे पास. कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के लेवल पे आती हैं हमारे पास क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, उसमें ऐसे ही कलर्स बताए जाते हैं, हिंट दिए जाते हैं, ताकि आप पहचान सकें उस पर्टिकुलर कंपाउंड को. फाइन, अब हम एसिड के बारे में कुछ और जानेंगे. कैरेक्टर्स यहीं तक थे, अब एसिड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए डेली लाइफ में. सो ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि ऑरेंज लेमन, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. एप्पल्स के अंदर मेलिक एसिड होता है. टमाटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, राइट? ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं हमारे डेली लाइफ में. प्लस साथ ही साथ आपने देखा होगा ये कुछ वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके फैट लॉस में भी वर्क करते हैं. फैट लॉस को कैसे ये बर्न करते हैं, फैट को कैसे बर्न करते हैं, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, एसिड होता है. ये सारे एसिड्स अवेलेबल होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं हमारी लाइफ में. ऑर्गेनिक एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमें मिनरल्स एसिड्स होते हैं, जो हमें ऑब्टेंड होते हैं मिनरल्स से, अर्थ से, राइट? द थ्री मोस्ट कॉमनली मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. एंड ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, राइट? उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. तो ये एसिडिक एसिड्स, टेट्रिक एसिड्स, ये सब जो हो गए वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स होंगे. तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जो मिनरल्स से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं. इनऑर्गेनिक जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक वन. ऑर्गेनिक एसिड्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने इनऑर्गेनिक होते हैं. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. और क्या होता है फ़र्क एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ये हम आगे करेंगे, राइट? बेसिस का टॉपिक करते वक्त या सॉल्ट का टॉपिक करते वक्त तब हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फ़र्क होता है. बट अभी के लिए याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, ये तीन कॉमन एग्जांपल, ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, वेरियस जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स में आते हैं आपके. हैंडलिंग ऑफ एसिड फूड आइटम्स इन हाउस होल्ड, तो आपने देखा होगा घरों में, इनफैक्ट देखिए साइंस तो आ जाइए, लेकिन कई सालों से ये चीज़ है कि जिसमें भी हमें एसिडिक मटेरियल रखना होता है, एसिडिक फूड रखना होता है, उस पर्टिकुलर वेसल को हम एक थिन लेयर ऑफ टिन के साथ कोट करते हैं, राइट? जिसे हम कलाई कहते हैं. ये थिन लेयर ऑफ टिन जो है वो प्रोटेक्ट करती है उस मेटल वेसल को एसिडिक फूड के साथ रिएक्ट करने में. और क्या होगा अगर एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? आपको पता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, वो फूड जो होगा वो टॉक्सिक बन जाएगा, राइट? फूड पॉइजनिंग हो सकती है ऐसा खाना खाने से. तो इसलिए हम ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं हम किस तरीके के वेसल में उस पर्टिकुलर फूड को स्टोर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फूड स्टफ को रख रहे हैं जिसमें एसिडिक है, एसिडिक चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट? और इसका ध्यान हम आज से नहीं रख रहे हैं, साइंस भले ही आ जाइए, इसका ध्यान हम बहुत पहले से रख रहे हैं. ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके पास. आगे अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास एसिड का करेक्टर हम डिफाइन कर पाएँ, एसिड में ऐसा क्या खास होता है और एसिड अपना वो करेक्टर कब दिखाता है. सो ये केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स है जिसमें हमें बताया गया है कि एसिड जनरली आप जिस भी तरीके के एसिड को देख लीजिए, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COH, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, किसी भी एसिड को देख लीजिए, कॉमन सब में आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा कि एक्वस लेवल पे ये डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन में. इसमें भी H+ आयन, इसमें भी H+ आयन, इसमें भी H+ आयन, इसमें भी H+ आयन, सब H+ आयन डिसोसिएट करते हैं वाटर के प्रेजेंस में. तो इससे ये पता चलता है हर एसिड के पास कॉमन क्या है, H+ आयन. और हर H+ आयन वाला एसिड हो ऐसा भी नहीं है,
जो वाटर के प्रेजेंस में एच प्लस आयन को डिसोसिएट करे सिर्फ वही एसिड होता है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि एल्कोहल, इनमें भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये वाटर के प्रेजेंस में इस हाइड्रोजन को डिसोसिएट नहीं करते हैं एच प्लस आयन के फॉर्म में, इसलिए ये एसिड नहीं है। तो हर ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है वो एसिड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उसी को हम एसिड कहते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में एच प्लस आयन को क्या करता है, डिसोसिएट करता है, ये याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस अराइज होता है कि रेन वाटर कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली रेन वाटर इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि जब रेन एटमॉस्फेयर से आती है तो कुछ गैसेस को अपने अंदर मिक्स करके आती है, इसलिए उसको हम एसिडिक रेन कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सबको रेन वाटर कलेक्ट करके नीचे आती है और वो एसिडिक रेन बन जाती है। वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। सो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी एसिड बेस और सॉल्ट्स विच मे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस, तो वो अपने आप को कुछ इस कदर आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर पाती है। बट वेयर एज रेन वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेस विच मेक्स इट एसिडिक रेन, और एसिडिक रेन जो होती है वो एच प्लस आयन को डिसोसिएट कर सकती है, कार्बोनेट आयन्स को डिसोसिएट कर सकती है इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आप समझ गए होंगे कि एसिड का लेना देना अधिकतर एच प्लस आयन के डिसोसिएशन पर निर्भर करता है कि कौन एच प्लस आयन डिसोसिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। जो डिसोसिएट कर सकता है वो एसिड होता है, जो डिसोसिएट नहीं कर सकता है वो एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास रोल है वाटर का इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, तो एसिड को डिसोसिएट करना, एच प्लस आयन में तोड़ना एसिड को, इसमें वाटर का क्या रोल है, अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टडी को करते हैं। सो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट है, इधर यहाँ पर आपके पास एक सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, और सोडियम बाइसल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में रिलीज होती है, तो यहाँ पर इसके आगे हम लिख सकते हैं गैस, ये वही गैस है जो रिलीज हो रही है, समझ गए आप। कहीं पर भी वाटर का कोई लेना देना नहीं है, सोडियम क्लोराइड एकदम ड्राई है, कॉन्सेंट्रेटेड है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, द सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कहीं से भी इसमें डाइल्यूशन नहीं है, कहीं से भी वाटर नहीं है, तो वाटर का कहीं नामो निशानी नहीं है। तो रिएक्शन में भी जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज हो रही है, राइट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्म में, जो गैसेस फॉर्म रिलीज हो रहा है, ये बिल्कुल ड्राई है, ड्राई गैस है, इसमें भी कहीं वाटर नहीं है, और ऊपर से आपने लिटमस पेपर भी ड्राई रख दिया है। तो इस फिगर ए में आपको समझ में आएगा कि लिटमस पेपर अपने आप को रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा, रेड में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये HCl एसिड होते हुए भी लिटमस पेपर इसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा है कि ये एसिड है। आप समझ रहे हैं ना किसकी कमी है, पूरी रिएक्शन में वाटर की कमी है, वाटर कहीं दूर दूर तक नहीं है। फिर देख लीजिए, आपने एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक सोडियम क्लोराइड में डाला, कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से 100% कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से कोई वाटर नहीं है इसमें, और सोडियम क्लोराइड भी एकदम ड्राई है, इससे रिएक्शन हुआ सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एंड साथ में ड्राई HCl गैस रिलीज हुई। ये ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर्स के साथ इंटरेक्ट करी ऊपर, और लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज नहीं किया, और अपना कलर चेंज नहीं किया जबकि एक एसिड आ रहा है उसके पास, तब भी वो उसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से एसिड एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करता है, एसिड एसिड की तरह हरकतें सिर्फ तभी करेगा जब क्या अवेलेबल होगा, वाटर। नाउ इसी रिएक्शन में आपने क्या किया, मिलने वाले HCl को आपने वाटर के पास या बेंजीन के पास भेजा, अब दोनों में फ़र्क है। तो गैसेस फॉर्म में होता क्या है कि जब H+ और Cl- अलग अलग फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, गैसेस फॉर्म में H+ और Cl- कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ वापस से अटैच हो जाते हैं, HCl हो जाते हैं, H+ डिसोसिएट हो ही नहीं पाता है, और उसको बेंजीन के पास भेजना तो और भी ख़राब है, क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से वो इनको अलग नहीं कर सकता है, बेंजीन इसको H+ को डिसोसिएट नहीं करवा सकता है। बेंजीन क्यों नहीं करवा सकता है, क्योंकि बेंजीन खुद एक नॉन पोलर है, और नॉन पोलर मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग को नहीं तोड़ने के लिए उतना सक्षम नहीं है। वेयर एज अगर आप इसी HCl गैस को वाटर के पास भेजते, तो वाटर पोलर है, पोलर इन नेचर, मतलब आयनिक बॉन्डिंग,
वाटर इज नॉन पोलर वाले सब्सटेंस दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन एच प्लस एंड सी एल माइनस इनको तोड़ने के लायक है। वाटर बहुत ईजिली एच प्लस को डिसोसिएट करवा सकता है। वाटर के प्रेजेंस में आते ही ये एच प्लस डिसोसिएट करने लगेगा एस सी एल गैस और ये एसिड की तरह रिएक्ट करने लगेगा, क्लियर है। और इस वाटर से पोलर सॉल्वेंट से इस एच प्लस आयन को डिसोसिएट कराने के प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। फाइन, एक ये तरीका है उस एस सी एल को पता लगाने का कि ये वाटर के प्रेजेंस में तो एसिड की तरह एक्ट करता है और वाटर के एब्सेंस में नहीं करता है, क्लियर है। दूसरा तरीका, यहाँ जो पहले वाले तरीके में ड्राई लिटमस पेपर था ना, आप क्या करें, ये गैस को ड्राई रहने दें लेकिन इस लिटमस पेपर को वेट कर लें। तो ये जो ड्राई एस सी एल गैस जब वेट लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगी, कॉन्टैक्ट में आएगी, तो उसको कई हद तक वाटर मिल जाएगा और ये अपने आप रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं एसिड को एसिड की तरह देखने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे। एक तो आप उस ड्राई एसिड को कलेक्ट करके वाटर के पास भेज दें ताकि वाटर उसको एच प्लस आयन को डिसोसिएट करा दें, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर बॉन्ड्स को ईजिली ब्रेक कर सकता है। इसको आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे एस सी एल एज अ एसिड एक्ट करना शुरू कर देगा। वेयर एज दूसरा तरीका, जो पहले वाले तरीके में आपने ड्राई लिटमस रखा था, उसको आप वेट लिटमस पेपर कर दें और जैसे ही ड्राई एस सी एल गैस कॉन्टैक्ट में आएगी इस वेट लिटमस पेपर के, वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगी इन ऑर्डर टू शो कि वो एसिडिक करेक्टर को शो कर रहा है। फाइन, ये रोल होता है वाटर का इन ऑर्डर टू डिसोसिएट एसिड। अच्छा, एच प्लस आयन जो डिसोसिएट होता है वो वाटर के साथ मिल के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, राइट। तो जहाँ एक तरफ ऐसी रिएक्शंस में एच प्लस आयन डिसोसिएट होता है, टूटता है, वहीं पर हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। बट जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करते जाएंगे उतने हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल गेट ऑन डिक्रीजिंग पर यूनिट वॉल्यूम। फाइन, वो बिल्कुल एक अलग ही बात है, वो अलग ही मोड पर हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये वाली बात जो मैंने अभी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूशन करना कैसे हमें एसिड्स का, एसिड को डाइल्यूट करना क्यों ज़रूरी है, ये तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि एसिड बिना डाइल्यूशन के, बिना वाटर के प्रेजेंस के, वो एच प्लस आयन डिसोसिएट ही नहीं कर पाते और एसिड एसिड की तरह रिएक्ट ही नहीं कर पाता है। तो डाइल्यूट करना ज़रूरी है, लेकिन डाइल्यूट करने का प्रोसीजर होता है कि आखिर आपको डाइल्यूट करना कैसे है, अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो डाइल्यूशन के लिए हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली वाटर को मिक्स कैसे करना है। वाटर को डालना है डाइल्यूशन के लिए, वाटर को डालने से होगा क्या, हाइड्रोनियम आयन बनने शुरू हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, हीट इवॉल्व होगी, राइट। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस बात का ध्यान में रखना है हमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इस बात का ध्यान में रखते हुए हमें डाइल्यूट करना है। अब डाइल्यूट के दो तरीके यहाँ पर, एक गलत तरीका एक सही तरीका। एक में आप एसिड में वाटर डालेंगे और दूसरे में आप वाटर में एसिड डालेंगे, तो कौन सा सही तरीका है, वाटर में एसिड डालने वाला सही तरीका है या एसिड में वाटर डालने वाला सही तरीका है? देखिए, एसिड अपने आप को डाइल्यूट करना चाहता है। सोचिए कि ये सारा एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसमें थोड़ा भी पानी डालेंगे, ये सारा का सारा एसिड वाइग्रेसली उस थोड़े से पानी के साथ अपने आप को रिएक्ट करा के तुरंत डाइल्यूट कराने की जो इतनी ज़्यादा जल्दी कोशिश करेगा, इतनी ज़्यादा हीट फेंकेगा, हीट से ये स्प्लैशेज उड़ सकते हैं और स्प्लैशेज आपके कपड़ों पे, आपके स्किन पे आ सकते हैं। एंड जैसा कि हमने देखा था, एसिड का करेक्टर होता है कोरोसिव नेचर, तो ये आपकी स्किन को जला सकता है, आपके कपड़ों को जला सकता है, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप एसिड में वाटर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी वाटर पूरे के पूरे एसिड को डाइल्यूट, मतलब पूरा का पूरा एसिड अपने आप को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा उस थोड़े से वाटर के चक्कर, उस चक्कर में इतने कम समय में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी जिससे स्प्लैश उड़ सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, एसिड में वाटर बिल्कुल नहीं डालना है, ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड क्या है, आपको एसिड को वाटर में डालना है, लेकिन कैसे, वाटर यहाँ पर है, पूरा आके एसिड उलट मत देना, थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा, और वो थोड़ा थोड़ा डालते हुए शेयर भी करते रहना है ताकि जो पहले एसिड डाला था वो डाइल्यूट हो चुका हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करना है आपको एसिड, उस तरीके से वो डाइल्यूट होगा एसिड, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, एंड डालते डालते साथ में स्टिर करना है। दिस इज़ द राइट मेथड इन ऑर्डर टू डाइल्यूट दी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और हम क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ऐसे करेंगे तो स्प्लैशेज उड़ के हमारे स्किन या कपड़े वगैरह बर्न हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, इफेक्ट क्या होता है इस डाइल्यूशन से। अगर हमने किसी एसिड को डाइल्यूट कर दिया तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कम डाइल्यूट है, ये ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, राइट। तो क्या ऐसा असर पड़ता है डाइल्यूट होने से, उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल इफेक्ट है, अगर आपके पास एक एसिड था HCl, इसको आपने x परसेंट डाइल्यूट करा, इसको 10 टाइम्स ऑफ x कर दिया और इसको 100 टाइम्स ऑफ x कर दिया, क्लियर है। कैसे करते हैं ये देखिए, आपने 5 ml का डाइल्यूट एसिड लिया, उसमें 1 ml उसको डाइल्यूट किया, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और 9 ml वाटर लिया, क्लियर है। तो 10 ml का ऐसा आपने डाइल्यूटेड एसिड बना लिया। फिर 5 ml ऑफ डाइल्यूटेड एसिड लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में, अनदर टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ml डाइल्यूट एसिड लिया उसका और
पिछले वाले से 1 ml लिया और 10 ml 9 ml और वाटर भर दिया, फिर इस वाले में से 1 ml एसिड लिया डाइल्यूटेड एसिड उसमें 9 ml और भर दिया, तो हर बारी आपने क्या किया आपने उसको 10 times करते गए डाइल्यूशंस को, तो पहले x अमाउंट डाइल्यूट किया था तो आपने 10x अमाउंट डाइल्यूट कर दिया और अब 100 times डाइल्यूट कर दिया उसको, क्लियर है। पहले वाले के मुकाबले ये 100 times है, इस वाले के मुकाबले ये 10 times डाइल्यूटेड है। इस अलग अलग डाइल्यूटेड में आपने ग्रैन्यूल्स डाले, जिंक ग्रैन्यूल्स, तीनों में जिंक ग्रैन्यूल्स डाले सेम अमाउंट के, एक में आपने देखा बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं, मतलब एसिड प्लस मेटल विल गिव व्हाट, हाइड्रोजन गैस, एक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एक में कम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और लास्ट वाले में सबसे कम हो रही है, तो आप बताइए मुझे एग्जैक्टली डाइल्यूशन से होता क्या था। H प्लस आयन डिसोसिएट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते थे, तो इसने कम बनाए होंगे हाइड्रोनियम आयन, तो इसमें मैक्सिमम H प्लस आयन अभी भी अवेलेबल होंगे एसिड में, तो इसलिए H प्लस आयन अपने एसिड्स जो है अपने हाइड्रोजन गैस को रिलीज करके शो कर रहे हैं अपने अंदर हाइड्रोजन गैस, ये थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा डाइल्यूट होकर हाइड्रोनियम बना चुका है, इसके मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन्स जो है वो तो जा चुके हैं, तो कम हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा और ये और कम छोड़ेगा, क्लियर है। तो फ़र्क क्या पड़ता है ज़्यादा डाइल्यूट करने से, हाइड्रोजन गैस कम रिलीज़ हो रही है ये कह लीजिए, या फिर यूँ कह लीजिए एच प्लस आयन कम बचे हैं उसके अंदर, और अगर एच प्लस आयन कम बचे हैं उस एसिड के अंदर ज़्यादा डाइल्यूट होने से, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास लेस एसिडिक करेक्टर है इन कंपेरिजन टू दिस वन, दिस इज़ मोर एसिडिक एंड दिस इज लेस एसिडिक, ये उसके एसिड की स्ट्रेंथ पता लगा रहे हैं हम लोग, राइट, एसिड की स्ट्रेंथ। तो जो ज़्यादा गैस रिलीज़ करता है उसमें ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो कम गैस रिलीज़ करता है उसमें कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, और ये हमें पता चलेगी आगे जाके पीएच स्केल से, यूनिवर्सल इंडिकेटर से या पीएच स्केल से। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे कलर चेंज करके बताता है हमें एसिड कितना ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पीएच वैल्यूज़ भी हमें बताती हैं, पीएच स्केल होगा एक, इसको हम डिस्कस करेंगे बेस के टॉपिक में, फाइन। तो जो ज़्यादा गैसेस रिलीज़ करता है उसकी पीएच वैल्यू 0-1-2 के लगभग होती है, जो कम गैसेस रिलीज़ करता है उसकी पीएच वैल्यू 6-5 के करीब होती है, फाइन। ये पीएच स्केल के अंदर नॉलेज है, लेकिन अभी हमने आज नहीं करना है ये, हमें नेक्स्ट टाइम करना है इसको जब हम बेसिस को डिस्कस करेंगे, ये इफेक्ट होता है। अब कुछ हमारे पास मिनरल एसिड्स जो थे, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स जो थे हमारे पास तीन, कौन कौन से, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, उनके यूजेस को देख लेते हैं डेली लाइफ में वो यूज़ में कहाँ आते हैं। सो बेसिकली हमारे पास स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, राइट, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केमिकल कॉम्बिनेशंस में सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपना रोल प्ले करवाता है, इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, राइट, इन सबको मैन्युफैक्चर करने में, एक्सप्लोजिव के तौर पर भी काम में आता है ये, एंड बैटरीज के तौर पर भी काम में आता है, जो हमारी कार बैटरीज होती हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मेशन में काम में आता है, एक्सप्लोजिव लाइक TNT इनको बनाने के भी काम में आता है नाइट्रिक एसिड, राइट, आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज, प्लास्टिक, इसको बनाने में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे क्लेंजिंग पर्पस के लिए काम में आता है, टेक्सटाइल, फूड, लेदर, डाई इंडस्ट्री, इन सब में भी काम में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उनके नेचुरल यूजेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट्री में या किसी ना किसी पर्टिकुलर सामान में जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वहाँ पर ये एसिड्स काम में आ रहे होते हैं, राइट। ये आपके पास यूजेस थे, अब आपके पास होमवर्क है जिसमें आपको एसिड्स के QBAD को करना है, राइट। सो एसिड्स के QBAD क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव डिस्कशन जो हमारे असाइनमेंट का पार्ट है, और आपका होमवर्क है फ्रॉम पेज नंबर 101 से लेकर पेज नंबर 111 तक, ये आपका होमवर्क है जिसमें 108 के अप्रॉक्सीमेटली QBAD चालू हो जाएंगे, 108 या 109 पेज से QBAD चालू हो जाएंगे, वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबाउट डिस्कशन आपको करना है, फाइन। थैंक यू फॉर द क्लास।